सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल थिंकिंग लिटरेचर को और बेल आइकन को दबाइए लिटरेचर के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फॉस्टस एज ए रिनेसा हीरो, सो लेट्स जंप इनटू इट। आई हैव ऑलरेडी मेड टू वीडियोज ऑन डॉक्टर फॉस्टस। इफ यू हैव नॉट वॉच दोज वीडियोज देन वॉच नाउ, आई विल पुट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंट्रोडक्शन। द वर्ड रिनेसा इटसेल्फ मीन्स रीबर्थ। The Renaissance was the period of fundamental change in human outlook, once dominated by religious dogma and Christian theology of dark ages. This age was marked by a strong desire for unlimited knowledge, love for materialist world, supreme power, love for beauty, respect for classicism and individualism. Christopher Marlowe was a product of the Renaissance. Therefore, it was obvious for him that his play Dr. Faustus would contain Renaissance spirit. मैंने ऑलरेडी रिनेसा के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आपको रिनेसा समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। रिनेसा का अर्थ पूर्ण जन्म या पूर्ण जागृति है। रिनेसा मिडिल एजेस की कठोर संस्था जैसे चर्च और फ्यूडलिज्म से मुक्त कराने के प्रयास करता है। इस पीरियड में असीमित ज्ञान, मेटेरियलिस्ट दुनिया के लिए लगाव आदि देखा जाता है। क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लोवी भी रिनेसा पीरियड के ही ड्रामेटिस्ट थे, इसलिए उनकी ड्रामा डॉक्टर फॉस्टस में भी रिनेसा स्पिरिट देखा जाता है। फॉस्टस क्रेविंग फॉर नॉलेज इनफिनाइट, हिज इनसेसिएबल क्यूरियोसिटी एंड सुप्रीम लस्ट फॉर पावर वेरी क्लियरली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ रिनेसा। आफ्टर कंसिडरिंग द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एज लॉजिक, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी, ही कंक्लूड्स दैट दे कैन गिव नॉलेज बट नो पावर। सो ही डिसाइडेड टू स्टडी द मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन and regarded necromantic books as heavenly. With the help of this knowledge, he wants to acquire power and become as powerful as Job in the sky. Faustus ka gyan ke liye asim lalsa aur shaktishali banne ki ichcha bahut spasht roop se Renaissance ki dharana ko darshata hai. Faustus kehta hai ki medicine, logic, law keval gyan de sakta hai, power nahi. इसलिए फॉस्टस मैजिक या जादू सीखना चाहता है और इस जादू की नॉलेज से बहुत शक्तिशाली बनना चाहता है। द रिनेसा मैन डिजायर्ड वेल्थ एंड वर्ल्डली प्लेजर्स। आफ्टर हिज एग्रीमेंट विद द डेविल, ही वुड हैव स्पिरिट्स एट हिज कमांड टू डू वट एवर ही लाइक। ही वुड लाइक देम टू ब्रिंग गोल्ड फ्रॉम इंडिया, पियर्स फ्रॉम ओशियंस एंड डेलिकेसीज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दिस वे ही वुड हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड वेल्थ टू इंजॉय वर्ल्डली प्लेजर्स। Like the Renaissance man, Dr. Faustus wanted to travel across the world, so with the help of Mephistopheles, he traveled to distant countries, and he views the clouds, the planets and the stars, the troops, zones and quarters of the sky from east to west, his dragons swiftly glide. Renaissance man dhan aur sansarik sukho ki kamna karte hain. Yahi characteristic hum Faustus mein bhi dekh sakte hain. Jab Faustus ko power mil jata hai, वो तब इंडिया से सोना लाना चाहता है और समुद्र से मोती लाना चाहता था, और रिनेसा मैन की तरह फॉस्टस भी दुनिया भर की यात्रा करना चाहता था। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिनेसा वाज इंडिविजुअलिज्म दैट लेड टू द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट टू फ्री द ह्यूमन माइंड फ्रॉम द सेकल्स एंड डॉगमास ऑफ द चर्च एंड फ्यूडलिज्म। फॉस्टस चैलेंजेस क्रिश्चियनिटी एंड ही टेक्स द सपोर्ट ऑफ द एविल। He does not only show his rejection by signing a bond for 24 years with him, but also he makes fun of Pope and monks in Rome. Renaissance individualism ya vyaktivad ko celebrate karta hai, jo church aur feudalism ka virodh karta hai. Faustus ne bhi Christianity ko challenge kiya aur burai ko support kiya. Faustus ne Christianity ko reject kiya not only by signing a bond with devil, but also Faustus पोप और मॉन्क्स की मजाक उड़ाता है इस ड्रामा में। फॉस्टस इज एन इंडिविजुअलिस्टिक एंड डोमिनेंट टाइप ऑफ हीरो। ही डज नॉट पे अटेंशन टू अदर्स ओपिनियंस और व्हाट द कम्युनिटी सेज। इंस्टेड ऑफ दैट ही वांट्स टू हैव हिज ओन थॉट्स एंड चैलेंज अदर्स। ही इज पियरलेस इन हिज रिजोल्यूशन ऑन द सेल ऑफ द सोल टू डेविल, टर्निंग अ डीप ईयर टू द हार्टफेल्ट कॉल्स ऑफ द गुड एंजल। क्योंकि रिनेसा इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा केंद्रित था, इसलिए फॉस्टस भी दूसरों की राय या समुदाय क्या कहता है उस पर ध्यान नहीं देता है। और जब फॉस्टस डेविल के साथ अपनी सोल की सौदा कर रहा होता है, तब भी वो गुड एंजल की चेतावनियां को अनसुना कर देता है। बिसाइड्स हैविंग लव ऑफ नॉलेज, पावर, वर्ल्डली प्लेजर्स, डॉक्टर फॉस्टस हैज द रिनेसा लव ऑफ ब्यूटी।
So he wanted to have a wife, the fairest maid that is in Germany. So he wanted to see the most beautiful woman in the world. He conjured the vision of Helen. Faustus's keen longing to have heaven in her lips revealed his supreme love of beauty. The Renaissance was marked by an intense interest in the visible world and in the knowledge derived from mere senses. It turned away the belief and interest of the life after death. Faustus also raises this question, that after this life there is any pain? Thus, these are trifles and mere old wives' tales. ज्ञान, पावर और वर्ल्डली प्लेजर्स के अलावा फोस्टस सौंदर्य से भी प्यार करता है, जो कि एक रेनेसा मैन की कैरेक्टरिस्टिक था। सो इसलिए वो सबसे खूबसूरत महिला हेलेन को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। और एज ए रेनेसा मैन, फोस्टस लाइफ आफ्टर डेथ की धारणा का भी विरोध करता है। कंक्लूजन। फाइनली वी मस्ट से दैट फोस्टस इज अ फेथफुल एम्बॉडीमेंट ऑफ द रेनेसा। ही बियर्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज। Actually, Marlowe has pictured Faustus with great care and interest of the age. George Satayana justly says in this regard, Marlowe is a martyr to everything: power, curious knowledge, enterprise, wealth and beauty. So, अंत में हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लोवे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेनेसा स्पिरिट को अपने डॉक्टर फोस्टस ड्रामा के जरिए पेश किया है। So with this, we come to the end of this video. Thank you for watching. Like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel to get more videos like this.